Hello students, today we are going to solve worksheet of punctuation marks. Worksheet solve करने से पहले हम एक बार सभी punctuation marks का quick recap लेंगे, उसके बाद इस worksheet को solve करेंगे. Punctuation marks सबसे पहले है period या slash full stop. Period full stop को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है और फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है. ये कहाँ हम यूज करते हैं, ये जब कभी हमारी बात खत्म हो जाती है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस खत्म होने को दर्शाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क उन सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है जहां पर कोई सवाल पूछा जाता है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क. इसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. आप देख सकते हैं ये जैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है उसके नीचे बिंदी है. इसका प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जिसमें कि अचानक से हमारे कोई भी इमोशन दर्शाते हैं. नेक्स्ट है कोमा. जब हम अपनी बात को किसी एक हिस्से पर विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं तब कोमा का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है कोलन. ये हम थोड़ा थोड़ा क्विक रिकैप ले रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगी. कोलन, कोलन यहाँ देख रहे हैं आप दो डॉट्स हैं, इनका प्रयोग किया जाता है जब कोई लिस्ट बनानी हो. नेक्स्ट है सेमीकोलन. सेमीकोलन का प्रयोग जब अलग अलग हिस्सों को कंफ्यूजन से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. नेक्स्ट है डैश. डैश के दो टाइप होते हैं, एक जिसे बोलते हैं एन डैश और दूसरा जिसे बोलते हैं एम डैश. एन डैश दिखाता है किसी भी रेंज या कनेक्शन को जोड़ने के लिए और दूसरा है एम डैश. ये एन डैश का डबल होता है. इसका यूज किया जाता है कहीं भी किसी भी चीज को ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का कंक्लूजन निकालने के लिए अलग से दिखाने के लिए. नेक्स्ट है हाइफन. हाइफन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो वर्ड्स को जोड़कर एक कंपाउंड बनाया जाता है. नेक्स्ट है राउंड ब्रैकेट. इसे अमेरिकन इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोला जाता है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको पैरेंथेसिस कहीं दिख जाए तो उसका मतलब भी वही होता है, राउंड ब्रैकेट. नेक्स्ट है स्क्वेयर ब्रैकेट. स्क्वेयर ब्रैकेट को अमेरिकन इंग्लिश में ब्रैकेट ही बोला जाता है, स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं बोला जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है. नेक्स्ट है स्लैश. स्लैश एक तिरछा डंडा है जैसे कि देख रहे हो आप स्क्रीन पे. इसका प्रयोग किया जाता है चीजों को अथवा दिखाने के लिए. नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी आप देख सकते हो, एपोस्ट्रोफी का अर्थ होता है या तो पोजेशन के लिए, पोजेशन मीन्स किसी की चीज दर्शाने के लिए, और या फिर कॉन्ट्रेक्शन के लिए. कॉन्ट्रेक्शन मतलब इंग्लिश में जब दो वर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो उन्हें बोलने की सुविधा के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब छोटा कर दिया जाता है. नेक्स्ट है स्पीच मार्क्स. इन्हें कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं और इनका दूसरा नाम हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने किए होंगे नरेशन, जब किसी बात को हम एज इट इज वक्ता के शब्दों में जब हम कहते हैं तो इन मार्क का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है एलिप्सिस. एलिप्सिस का प्रयोग हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है डू यू स्पीक द जर्मन. एक बात और ध्यान रखनी होती है पंक्चुएशन मार्क्स में कि जो फुल स्टॉप्स के बाद या पहला अक्षर, पहला जो लेटर होता है वो बड़ा आता है. यहाँ लिखा है डू यू स्पीक द जर्मन, तो और नेक्स्ट है जर्मन. जर्मन ये एक देश की भाषा है, तो यहाँ लैंग्वेज में पहला अक्षर बड़ा होता है. ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि इंग्लिश में पहला अक्षर बड़ा होता है, हमें हिंदी में ऐसे नहीं देखने को मिलता है. देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला अक्षर बड़ा है डी कैपिटल लेटर,
नेक्स्ट हमने जर्मन लैंग्वेज है तो इसमें जी बड़ा होगा, और नेक्स्ट हमने और इसमें क्या इम्प्रूव किया है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्लोज द डोर। अब इससे आपको पता चल गया है कि क्लोज द डोर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो इसमें हम क्या क्या सुधार करेंगे। इन सेंटेंस में हमने दो करेक्शन किए हैं, एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है सी को हमने, और हमने फुल स्टॉप लगाया है जब सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो आई विल नॉट स्पेंड माई मनी एनी मोर। नो का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एन, और नेक्स्ट है आई। इंग्लिश में ये रूल है, आई कभी भी जब अकेले आता है तो ये है कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें सुधार होगा, नेक्स्ट जो इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो है आई के साथ एपोस्ट्रोफी लगाकर विल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और नेक्स्ट इसमें इम्प्रूवमेंट होगा फुल स्टॉप। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस, गेट आउट ऑफ माई कार ही सेड टू मी। तो हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो हमें पता चला ही सेड टू मी, यहाँ हमें एज इट इज ही है, ही जो कोई व्यक्ति है उसके शब्दों को हमने एज इट इज लिखना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कोटेशन मार्क्स का। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने फर्स्ट लेटर है जी, इसको कैपिटल लिख दिया है, और इनवर्टेड कॉमास बिगिन कर दिए हैं, गेट आउट ऑफ माय कार, इनवर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए हैं, उसके बाद हमने लगाया है कोमा, और कोमा के बाद देखो हमने ही में एच को कैपिटल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ अगर फुल स्टॉप होता तो हम एच को कैपिटल करते, और लास्ट में हमने लगा दिया है फुल स्टॉप, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, That is my brother's suit. यहाँ पर देखो my brother, यहाँ एक भाई की बात हो रही है, तो यहाँ ये possession की बात है, भाई का suit है, तो हम यहाँ देखेंगे हमें कौन कौन सी correction करनी है। तो देखिए students, यहाँ पर first letter हमने capital किया है T को, next हमने brother के बाद S से पहले apostrophe use किया है, जिसका कि मैंने बताया कि possession के लिए यूज किया जाता है, पोजेशन मतलब किसी की वो चीज है कि यह मेरे भाई का सूट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाओ दैट इज अ ग्रेट न्यूज। तो आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल गया है कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और दैट का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल लिखेंगे, और लास्ट में न्यूज के बाद हम यूज करेंगे फुल स्टॉप सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैव टू चॉइसेस, आइदर फाइट और स्टे फार फ्रॉम इट। इस सेंटेंस में दो करेक्शन की जा सकती हैं। फर्स्ट तो यू वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा वाई, और सेंटेंस खत्म होने के बाद हम इट के बाद फुल स्टॉप यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I do not have any type of suggestion for you. I letter sentence में कहीं भी हो हम इसे capital ही use करते हैं, लेकिन यहाँ starting में है तो rule है ही, हम इसे capital use करेंगे। Next हमने जो improvement करनी है इसमें do not को contract करके हमने don't बनाना है। I don't have any type of suggestion for you. और last में you के बाद full stop. नेक्स्ट है, इज दिस योर हाउस। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड पहले होते हैं, तो हमें पता चल गया है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, इज पहला लेटर
इज का आई बड़ा होगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट है, राजू ब्रोट अ मोबाइल चेयर एंड ए फैन. यहाँ क्या करेक्शन हो सकती है? तो लास्ट सेंटेंस है, राजू में आर बड़ा लिखेंगे. राजू ब्रोट अ मोबाइल कोमा चेयर एंड अ फैन और लास्ट में फुल स्टॉप फैन के बाद. तो देखा आपने स्टूडेंट्स कितना इजी था. वैसे तो इंग्लिश में 14 या 16 पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है, लेकिन उनमें से आधे ही हम काम में लेते हैं. लेकिन आपको पता सभी पंक्चुएशन मार्क्स का होना चाहिए. तो यही खत्म होता है. तो हमारी वर्कशीट का सॉल्यूशन कंप्लीट है. ओके, बाय स्टूडेंट्स.